नमस्कार, यह है प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रजत दीक्षित। प्रभा साक्षी की जो चुनावी टीम है वो इस वक्त द्वारका में मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त द्वारका से आम आदमी के प्रत्याशी विनय कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, आपका प्रभा साक्षी में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप इस बार दिल्ली चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर या किन बाधाओं को लेकर आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो काम किया है वो हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो है तीर्थ यात्रा लागू की उसके लिए लेके जा रहे हैं। महिलाओं के लिए जो फ्री बस और बस की सेवाएं की उसके लिए जा रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे यहाँ नगर वन पार्क है बंद हो गया, उसको हम दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे मुद्दे जिनको हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहीं से विधायक रह चुके आदर्श शास्त्री जी को पार्टी ने भरोसा ना जताकर इस बार आपको द्वारका से खड़ा किया, तो क्या वजह थी? एक तो देखिए, मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी इस क्षेत्र में ना रहना। 5 साल तक उस क्षेत्र में मुझे लगता नहीं है, 5 साल में 5 बार गए होंगे लोगों के पास। और अरविंद केजरीवाल जी ज़मीनी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि भाई ज़मीनी नेता हमें चाहिए जो ज़मीन पर रह के लोगों के साथ रह के काम करे। तो आदर्श जी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़े विफल थे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, और रात को 10 बजे आते थे। तो लोगों में बड़ी नाराज़गी थी और बड़ा रोष था कि हमारा विधायक हमारे बीच में रहता नहीं और ना आता है। तो आप यहाँ से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, तो क्या लगता है कि शास्त्री जी ने यहाँ से कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी कमियाँ रही यहाँ पे? मैंने बता दिया वो कमी, सबसे बड़ी कमी तो होती है लोगों के बीच में ना रहना। और कई जगह ऐसी हैं जो सड़कें खोद दी और दोबारा बनी नहीं, तो लोगों में उसके लिए भारी रोष है और मुझे उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने उनसे भी बात करी, लेकिन उनका कहना ये था कि पार्टी ने जो द्वारका की जो सीट है वो कुछ करोड़ रुपये में बेच दी, ऐसी क्या बात? मानहानि का दावा ठोकूंगा, केस लगाऊंगा, और जो इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं उसका भी जवाब कोर्ट में अब वो देंगे, क्योंकि मैं कई जगह सुन चुका हूँ। और आप मुझे अगर वो क्लिपिंग है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे क्लिपिंग दे दें, मैं मानहानि दावा ठोकूंगा। और राजनीति में आपके पास जब कोई सबसे कमज़ोर कड़ी होती है पैसा, जब आपको लगे आप विफल हो जाओ तो आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दो। आप देखेंगे जितने भी इल्ज़ाम लगे सब पैसों के लगाते हैं, वो अपने कामों को नहीं देखते। मैंने मेरी क्या कमी रही, अपनी कमी को, और इसी कारण वो गए हैं। अगर आज वो एनालाइज करते इस चीज़ को, अपनी कमी को एनालाइज करते और पार्टी के साथ जुड़े रहते तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती। लेकिन आज अपनी गलती ना एनालाइज करें। आज मैं उनसे पूछा था कांग्रेस को ने उनको एक दिन में ज्वाइन करा के टिकट दिया, कितने पैसे में टिकट दिया? या इससे पहले भी यहाँ से पैराशूट उम्मीदवार थे, वो यहाँ नहीं रहते थे, तो पहले कितने टिकट देकर लाए थे? तो कहने की बात है, काम किया नहीं, अब जो है बिना बात के जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो इस बार कांग्रेस से खड़े हुए हैं और कांग्रेस में ही आपके पिताजी मावल मिश्रा जी काफ़ी बड़े चेहरे हैं वहाँ पर, तो क्या लगता है इस बार आपके पिता आपके खिलाफ वोट मांगे, आपके खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, मेरे पिता है और मुझे लगता नहीं ऐसा करेंगे, बाकी आप उनसे पूछिए, वो बेहतर बता पाएंगे उनका क्या आगे कह रहा था। तो ये बताइए कि आम आदमी अगर इस बार अगर यहाँ से आप यहाँ से जीतते हैं तो जनता के लिए कौन कौन से काम करेंगे, और इस बार आम आदमी की सरकार कितनी वोटों से कितनी सीटें ला रही है दिल्ली चुनाव में? 70+ सीट ला रही है, 70 की 70 सीट आम आदमी ला रही है, कोई सीट आम आदमी हार नहीं रही। और दूसरा, जो द्वारका का आपने काम कहा, तो चहुंमुखी विकास कराऊंगा, नगर वन पार्क खुलवाऊंगा, DDA पार्क जो हमारे है उसमें जो है जो DDA का ग्राउंड है हमारे यहाँ उसको खुलवा, उसमें बारात घर बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, और काफ़ी डेवलपमेंट वर्क जो यहाँ पेंडिंग रहेंगे उसको पूरा कराऊंगा। सर, जैसे कि बीजेपी ने उसके बीजेपी के साथ गृह मंत्री जी अपने 200 सांसदों के साथ और कई बड़े चेहरों के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं, तो ये आम आदमी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? आम आदमी को कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारी जनता ही हमारी स्टार प्रचारक है और हमने जो काम किया है उसके लिए हमें किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं। बीजेपी ने कुछ काम किया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। आज जो उनके 700 सांसद जमीन पर उतरे नहीं, 700 सांसद जो है क्षेत्र से गायब रहे, अगर इतना ही है हिम्मत, मांगे MCD के नाम पे कि MCD में क्या काम किया, मांगे MCD के काम के नाम पे, जहाँ की सरकार सांसदों के नाम पे मांगे सांसदों ने क्या काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड पेश करा, अरविंद केजरीवाल ने तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, आप करो रिपोर्ट कार्ड पेश, अगर आपने कुछ किया हो तो MCD रिपोर्ट कार्ड पेश करो और मांगो वोट लोगों से, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, विपक्षी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगा जाता है कि 4.5 साल की आम आदमी पार्टी सो रही, आखिरी 3 महीनों में जो उन्होंने काम किया है वो इलेक्शन को लेते किया है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को नॉमिनेशन भरने में उन्होंने 6 घंटा बिठा दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना नॉमिनेशन भरने जाता है तो उसके आगे जो है आप लाइन लगा देते हो और नॉमिनेशन कोशिश करते हो नॉमिनेशन ना भर पे। मुख्य वजह क्या थी? मुख्य आप बीजेपी का खोखलापन है उसकी मुख्य वजह, बीजेपी का हताशा दर्शा रही है। अरे, आप में दम है तो आप खुल के ग्राउंड पे लड़ो ना, ये क्या आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया में दिक्कत कर रहे हो, दम है तो चैलेंज ग्राउंड पे लड़ो, ओपन वोटर्स के बीच में जाके चुनाव लड़ो ना, ये तो बचकाना ही हरकत हुई।